बाप तो बापज है, बाप को कर्जो आखिर जन्म जिंदगी ने उतारी सको। केवे नहीं के बाप है तो बाजार का सगड़ा खिलौना अपना है, बाप बिना संसार का आखा सुख सपना है। बाप का सपना पूरा करवा खातर थमार सामने अभी तक औलाद का नरा जतन उन सामने आया होगा। आज थमारे कणों की प्रेम कहानी दिखाऊं, प्रेम कहानी औलाद और बाप की, प्रेम कहानी पिक्चर हीरो और इनका फैन की। गटिया कने का बकानिया गांव वाला लक्ष्मी नारायण जी जाट साहब सन्नी देवल का जबरा फ्रेंड था। इतना बड़ा फ्रेंड के सन्नी देवल हरिकोज उलियो बनाई के रहता था। आखा गांव ने इनको नामज गदर सेठ पटकी दियो थो। गदर सेठ आज यानी दुनिया में नहीं है। सन्नी देवल के पिक्चर आएगी गदर 2 तो गदर सेठ का बच्चा बच्ची उनके विचार आयो। विचार यो के पप्पा होता कई करता, बेटा धर्मेंद्र बेटी पूजा इनने आखा गांव के नोता दिया, सगला रिश्तेदार उनके तेड़िया। यहाँ उज्जैन में गदर 2 को हाइट बुक नहीं हुआ, सावेर को आखो टैकेज बुक करे, डीजे वीजे ढोल ट्रैक्टर आखी बरात लेके नाचता गाता बकानिया गांव से सावेर तक पहुंचे, सबके पिक्चर दिखाई। ये नहीं अनूठा समाचार, बाप का सपना पूरा करवा खातर ये ऐसा उदाहरण तुम्हारे गिने चुने देखवा मिलेगा। हम निम्बर परिवार की तरफ से आज आए हैं, जो कि हमारे जो नाना जी थे गदर पाजी के नाम से जिनको जानते थे, उनका ऐसा शौक था कि जब से गदर मूवी आई थी 2001 में तब से उन्होंने एक भी शो कभी खाली छोड़ा नहीं। पूरे यहाँ तक कि अकेले नहीं, इस पूरे परिवार को और समाज को साथ लेके चले और सबको दिखाया। तब से उनको उसी छवि से वो आज तक रहते थे और उसी छवि को पूरा काम करते थे। और आज उनका ऐसा सपना था कि जब भी गदर 2 का जब पार्ट रिटेक होकर बनेगा तो हम उसको फिर से दोबारा सबको दिखाएंगे। आज उसी लिए हम सब एकत्रित हुए और लिम्बड़ परिवार में राकेश जी मामा जी और सारे मामा जी, हम सब उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए आज हमें इकट्ठे हुए।